दोस्तों यह कहानी है सल्वाडोर अल्बरेंडा की, मतलब एक ऐसे इंसान की जो समुद्र में लगभग 438 दिनों तक जिंदा रहा और वापस लौटा। अल्बरेंडा किसी हादसे का शिकार हो गया था और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसका अपना कोई नहीं है। ना उसके पास खाना था, ना उसके पास वापसी की कोई उम्मीद, और उसका दिमाग भी अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। यह कहानी एक निडर मछुआरे अल्बरेंडा की है जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन वापसी में पूरे उसे 438 दिन लग गए। साल 2012 नवंबर 17 को अल्बरेंडा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में अल्बरेंडा का एक साथी भी था जो मछली पकड़ने में उसके जैसा सातिर तो नहीं था, लेकिन वह अभी सीख रहा था। अल्बरेंडा की योजना के हिसाब से उसकी यात्रा लगभग एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सिली फिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान समुद्र में आ जाता है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण वह खतरे को भांप चुका था। बावजूद इसके भी वह अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे महंगा पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वह मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्बरेंडा ने लगभग 500 किलोग्राम मछलियां बोट से नीचे फेंक दी। अब उसके पास न खाने के लिए राशन था और ना रोशनी और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम बढ़ते जा रही थी। खाने के लिए वह अपने नंगे हाथों से मछलियां, कछुए और पक्षी पकड़ता और उन्हें कच्चा ही खा जाता। अल्बरेंडा प्लास्टिक की बोतल में बरसात के पानी को इकट्ठा करता और उसे पीता। वह अपनी मंजिल से लगभग 10,000 किलोमीटर अंदर आ चुका था और उसकी ओर चिल्लाने लगा, किंतु उसकी ओर क्योंकि इसकी आवाज उस जहाज तक पहुंची ही नहीं। 30 जनवरी साल 2014 को अल्बरेंडा को पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे अपने से थोड़ी दूर पर एक और कुछ पेड़ दिखाई दिए और पुलिस को सूचना देने पर उसे पुलिस पकड़ ले गई। इसी के साथ साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।